यूपी सरकार दो बड़े बीजेपी नेताओं के केस वापस लेने की तैयारी कर रही है। विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। यूपी की योगी सरकार साध्वी प्राची और संजीव बालियान के खिलाफ दर्ज केस वापस ले सकती है। 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सूत्रों के मुताबिक यूपी के कानून विभाग ने मुजफ्फरनगर के डीएम से 13 पॉइंट्स पर चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। बीजेपी सांसद संजीव बालियान और वीएचपी नेता साध्वी प्राची पर 2013 में हुई दो महापंचायतों में शामिल होने का आरोप है। दोनों नेताओं पर महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक डीएम की तरफ से अभी कानून विभाग को कोई जवाब नहीं भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये रिपोर्ट कानून विभाग के पास नहीं जमा हुई है, क्योंकि जिलाधिकारी को मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपनी राय नहीं भेजी है। उन सबके केसेस ये लोग वापस ले रहे हैं। इससे ये पता चलता है इस देश के अंदर जो ये ध्रुवीकरण सामाजिक चाहते थे उस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कानून तोड़ रहे हैं उन लोगों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पहले ऐसे भाषण दिलवाती है, मुकदमे कायम करती है, बाद में वापस लेती है। तो कुल मिलाकर भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है नफरत फैलाओ, समाज जलाओ, बाद में मुकदमे।